हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल एंड चिकन समोसा। तो चलिए बनाते हैं चिकन समोसा एंड चिकन रोल। बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट और इसे डालकर सोटे करेंगे। और इसमें हम डालेंगे बोनलेस चिकन। यहाँ पे हमने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको मिक्सी में हमने पीस लिया है। इसे हम डाल देंगे, डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 से 3 मिनट भून लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े प्याज जो हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ढककर 10 से 15 मिनट पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे कोरिएंडर लीव। ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ढक के 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सुखा लेंगे। यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। स्टफिंग के लिए रेडी है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा डाला है पानी और इसे एक पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से अब हम लेंगे समोसा पट्टी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां चेक कर लीजिएगा। जिस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं आप उसी तरीके से फोल्ड करें। इस तरह से और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। यहाँ पे जो हमने आटा का गोल बना के रखा हुआ था वो यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से चिपकाने के लिए।
से पकड़ के चिपका दें। इस तरह ये बन चुका है। इसी तरीके से सभी बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल। हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है स्टफिंग। अभी इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर तेल गरम कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना। इसे हम दोनों साइड से लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से अब हम डालेंगे रोल। इसे भी हम दोनों साइड से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से गोल्डन फ्राई करें। यह समोसा पट्टी के कटा हुआ पार्ट है। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से लाइट गोल्डन फ्राई करें। इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।